पहले तो सीमांकन के नाम पर कटवाए तहसील के चक्कर, अंत में बोले कि पट्टी की जांच होगी तब करेंगे सीमांकन। खबर कराहल से है, जहां मुरावन निवासी गिरिराज शर्मा ने तहसील प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश होने के बावजूद भी उनकी सीमांकन का तहसील वाले नहीं कर रहे हैं और हर बार तारीख पर तारीख देते हैं मगर अभी भी सीमांकन नहीं पहुँचता है। फरियादी ने बताया कि पठारी ग्राम में उसके खाते की भूमि है जिस पर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उसे जमीन नहीं जोतने दे रहे है। वह जब भी जमीन जोतने जाता है तो वहां से भगा दिया जाता है। चूंकि उन सर्वे नंबर में रकमा अधिक है और फरियादी की भूमि का सीमांकन ना होने की वजह से वह लोग जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। जब मुझ फरियादी द्वारा सीमांकन के लिए कराहल तहसील में आवेदन दिया गया तो 3 बार सीमांकन करने का आदेश RI पटवारी को निकाला जा चुका है मगर आज तक सीमांकन नहीं कराया गया है और तौर कलेक्टर के निर्देश पर भी सीमांकन करने कोई नहीं पहुंचा। अब तो कराहल तहसील में अधिकारियों द्वारा मुझसे ये कहा जा रहा है कि आपके पट्टी की जांच चल रही है, जब जांच पड़ताल पूरी हो जाने के बाद तय होगा कि सीमांकन करना है या नहीं। तकरीबन 2 महीने चक्कर कटवाने के बाद आज हमसे ये बोला जा रहा है। अब बताइए हम क्या करें, हम कब तक अपनी खाते की भूमि के सीमांकन होने का इंतजार करें। देखिए कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? किर्रा शर्मा। क्या परेशानी है तहसील में? परेशानी ये रही, मैं क्या नाम है, जून का मेरा आदेश निकला हुआ है अभी तक और तहसीलदार और क्या नाम है पटवारी द्वारा क्या नाम है सीमांकन की रोज डेट देते हैं। अभी मेरी पिछले दिनों का नाम है 5 तारीख का नाम इन्होंने सीमांकन के लिए लगाई थी, उसके बावजूद भी का नाम है मेरा सीमांकन नहीं हुआ। और आज से 1-2 दिन पहले का नाम है इनने मुझसे बोला था, बराबर फ़ोन पर बात करते रहते मेरे से कि तुम्हारा सोमवार के दिन का नाम है सीमांकन कर देंगे। और आज 12:30 बजे तक मेरी इनसे बात हुई थी, उसके बाद में का नाम मोबाइल स्विच ऑफ पाए गए इन लोगों के। तहसीलदार साहब के पास मैं जो गया था उनने जो बोला था कि तुम्हारे उसमें का नाम है कोई आवेदन लगाया हुआ है और ये बाहर के लोग हैं, इन लोगों ने मेरी ज़मीन पर का नाम है कब्जा कर रखा हुआ है और मैं खेती बाड़ी कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे भूखे मरने की कगार पर आजकल चल रहे हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा का नाम है जी सीमांकन आदेश का नाम है जब से हुआ है आज तक इन लोगों से मुझे कोई मदद नहीं मिली है। श्रीमान जी कलेक्टर से मैंने का नाम है 2 बार इनके लिए का नाम है आदेश करवा चुका हूं और उनके आदेश देने के बाद में भी आज तक मुझे कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। किस जगह है आपकी जमीन? मेरी श्रीमान का नाम है पटारी ग्राम मोराबंद और पटारी का भूमि स्वामी मैं हूँ। वर्तमान में ही मेरे पूरे कागजात वगैरह पटारी के हैं और दबंग लोगों के द्वारा मेरी ज़मीन पर कब्जा किया है। कितनी भूमि है आपकी वहाँ पर? मेरी 9-9, 10-10 बीघा के 3 पट्टे हैं वहाँ पे, तीनों भाइयों के। मेरा एक ही परिवार है उस गांव में, मैं इन लायक का नाम लड़ने के लिए नहीं है, दबंग लोग हैं ये और मैं उन लोगों के साथ मैं विवाद वो नहीं चाहता हूँ और ना मैं इन लोगों के साथ मैं का नाम लड़ना चाहता हूँ। मेरा तो बस यही निवेदन है कि मेरी ज़मीन मेरे का नाम सीमांकन करके मुझे सौंप दी जाए। तो क्या अभी आप खेती नहीं कर रहे हो जमीन? बिल्कुल नहीं करिए साहब, आज तक खेती कोई करने देगा तभी तो। ये लोग क्या अभी 2 महीने में भी सीमांकन नहीं कर पाए? अभी तक सीमांकन नहीं कर पाए। क्या उम्मीद है सीमांकन होगा क्या? अब देखो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही सीमांकन कोई हो जाए।